हेलो दोस्तों, पाकशाला चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, किसी भी सीधी चीज से काम करना ज्यादा आसान होता है, लेकिन कोई बच जाए चीज और फिर उसे हम नया रूप दे दें तो वो बात ही अलग होती है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इडली के गोल से बने हुए दही बड़े, जो शायद आपने पहले कभी ट्राई नहीं किए होंगे, लेकिन आप इसे ट्राई जरूर करें। ये दाल के बड़े जैसे ही लगते हैं बिल्कुल। तो चलिए देखते हैं हम इसे किस तरीके से बना रहे हैं। लेकिन आपको अगर हमारी रेसिपी अच्छी लगे, वीडियो देखने के बाद काम अच्छा लगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में इसे शेयर करें ताकि हमारा मनोबल बढ़े, क्योंकि आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ही कीमती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस रेसिपी की तरफ। दोस्तों, इडली के गोल के दही बड़े बनाने के लिए यहाँ पर हमने बड़े तलने के लिए तेल ले लिया है, आप रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल करें। और यहाँ पर हमने इडली का गोल लिया है, ये बहुत ज़्यादा है, इसमें से हम थोड़ा सा ही गोल लेंगे। और ये दाल और चावल को भिगोकर जो गोल बनाया जाता है वो गोल है। यहाँ पर हमने थोड़ा सा बेसन ले लिया है। सबसे पहले एक बॉल में हम इडली का गोल निकाल देंगे, हमें जितने बड़े बनाने हैं हम उस हिसाब से गोल का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर हमने एक कप के करीब इडली का बैटर ले लिया है, इससे आप डोसे, उत्पम, कुछ भी चीज़ें बना सकते हैं इस बॉल से। और इसमें हमने एक टेबलस्पून बेसन डाल दिया है, और इसके अलावा इसमें हमें कुछ भी नहीं डालना है। नमक गोल में पहले से था तो आप नमक अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें और कढ़ाई में तेल गर्म करने के लिए भी चढ़ा दें साथ ही साथ में। तेल हमने गर्म कर लिया है, ये मीडियम हॉट ऑयल है, और इसमें हम इस तरीके से स्पून की मदद से बैटर डाल देंगे। दोस्तों, इसमें आपको इनो, सोडा कुछ भी मिलाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप सभी जानते हैं इडली का बैटर पहले से फर्मेंटेड होता है, इसकी वजह से वो काफ़ी फ्लफी रहता है। तो इस तरीके से चम्मच की मदद से हम बैटर को डालेंगे और मीडियम आंच पर इन्हें हम तलेंगे। ये बहुत ही आसानी से ब्राउन हो जाते हैं, काफ़ी अच्छे से पक जाते हैं। तो आप इस बात की टेंशन ना लें कि गोल है तो कहीं कढ़ाई में चिपक जाएगा, ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी। आप देख सकते हैं काफ़ी आराम से निकल रहे हैं। और दोस्तों, हमने इसमें बेसन डाला है, अगर बाय चांस आपके पास बेसन नहीं हो तो आप गेहूं के आटे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और इस तरीके से हमें वड़ों को तलना है। एक एक बैच को तलने में हमें 2 मिनट का समय लग जाता है मीडियम आंच पर। हमने सभी वड़ों को तल लिया है और ये बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी हो गए ऊपर से और अंदर से काफ़ी अच्छे से पक गए, आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमने एक बाउल में गुनगुना पानी ले लिया है, इसमें हम 1/4 टीस्पून हींग डालेंगे अच्छे स्वाद के लिए, जैसा कि हम दाल के वड़ों में भी डालते हैं। और इन्हें अब हम गर्म पानी में डाल देंगे, हमें इन्हें ज़्यादा देर के लिए नहीं रखना है, सिर्फ 5 मिनट के लिए रखना है, क्योंकि ये काफ़ी सॉफ्ट हैं। 5 मिनट के लिए इन्हें ढककर साइड में रखें, तब तक हम दही तैयार करेंगे। यहाँ पर हमने 1 लीटर के करीब दही ले लिया है, और इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून चीनी पाउडर, आप चाहें तो साबुत चीनी का इस्तेमाल करें, और काला नमक। ये सभी चीज़ें आप अपने स्वाद के हिसाब से डाल सकते हैं। और इसी में हम डालेंगे थोड़ा सा नमक और भुना हुआ जीरा, सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। और दही को हम साइड में रखेंगे। यहाँ पर 5 मिनट के बाद जो वड़े हमने तल कर तैयार किए हैं वे अच्छे से भीग चुके हैं पानी में। पानी को हम इस तरीके से दोनों हाथों के बीच में रख के निकाल लेंगे। आपको बहुत ही ज़्यादा ज़ोर दे के नहीं दबाना है, क्योंकि ये दाल के वड़ों से भी ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। और जो मिश्रण हमने आपको बताया है उसमें से 15 वड़े तल कर तैयार हो गए हैं। इस तरीके से हम एक प्लेट पर या आप किसी भी सर्विंग ट्रे में दही फैलाएँ और इस तरीके से वड़ों को अरेंज करें। नॉर्मली जब हम दाल के दही बड़े बनाते हैं तो उन्हें दही में ही हम डाल देते हैं, पर ये वड़े बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, तो इसी तरीके से इन्हें सर्व करें ताकि ये टूटे नहीं। और दोस्तों, आप जब तक किसी को बताएंगे नहीं कि ये इडली के गोल से बने हुए दही बड़े, किसी को पता नहीं चलेगा, ये बिल्कुल दाल के बड़े जैसे ही लगते हैं। और इस तरीके से हम दही से इन्हें कवर कर लेंगे। इन्हें बहुत ज़्यादा भीगने की ज़रूरत नहीं होती, ये बहुत ही हल्के होने की वजह से बहुत ही जल्दी दही को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और अब हम इस पर इमली की मीठी चटनी डालेंगे। दोस्तों, मीठी चटनी डाल देने से दही बल्ले का स्वाद बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। और इसी के साथ हम इस पर धनिया पुदीना की तीखी वाली चटनी भी डाल देंगे। इन दोनों ही चटनी की विधि हमारे चैनल पर मौजूद है,
और इन दोनों चटनी का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। चटनी आप अपनी पसंद के हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। और इस पर हम डाल देंगे थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर और इसी पर हम दही भल्ला मसाला डाल देंगे। आपके पास दही भल्ला मसाला नहीं हो तो आप चाट मसाला डाल सकते हैं या भुना हुआ जीरा काफ़ी हो जाता है। और इस पर अब हम थोड़ा सा भुना हुआ जीरा स्प्रिंकल कर देंगे। ये बिल्कुल सिंपल सरल तरीके से बने हुए दही भल्ले तैयार हैं। मैं इन्हें काट के भी बता देती हूँ कितने सॉफ्ट बने हैं। आप देख सकते हैं ये काफ़ी सॉफ्ट बन के तैयार हुए हैं और हमने इन पर कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं डाली। आप चाहें तो इस पर प्याज, बारीक सेव, ये सभी चीज़ें डालकर चाट तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपने देख लिया कि कितनी आसानी से हमने इडली के गोल से दही भल्ले बनाए हैं। तो आप भी इन्हें बनाएं, अपने परिवार के साथ इसका आनंद लें, अपने अनुभव शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।